हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बजट एंड टिप्स। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जुलाई का बजट डिसाइड किया था और इन एनवलप्स में हमने इनको रखा था। ये एनवलप्स आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फॉरेन वीडियो से इंस्पायर है, जहाँ पर जो फॉरनर्स अपने वो पैसे इन एनवलप्स में रखते हैं और उसके बाद जिस एनवलप की ज़रूरत होती है उसको निकालते हैं और एक बजट में अपना सारा काम करते हैं। तो इस वीडियो में भी आज यही हम करेंगे। आज हम अपना बजट डिसाइड करेंगे अगस्त के लिए। अगस्त में मेरी सैलरी वही है 15,000, तो 15,000 को मैंने अपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मंथली एक्सपेंस एंड द सिंकिंग पॉइंट्स। मंथली एक्सपेंस वो होते हैं जो हमारे फिक्स होते हैं और जो हमें देने ही देने होते हैं। सिंकिंग पॉइंट्स वो होते हैं जो हम पर्टिकुलर किसी रीजन की वजह से सेव करते हैं, ताकि हमें जब भी उनकी ज़रूरत हो तो वो हमारे काम आ जाए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल से। तो मैं आपको ये जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको मेरा बजट एक बार दिख जाए। सो दिस इज़ माई बजट। इसमें मैंने बिल के लिए डिसाइड करे हैं 5,000। तो मैं अपना बजट भी साथ साथ करती रहूँगी और आपको दिखाती भी रहूँगी। आई थिंक इट्स विजिबल टू यू कि कैसे मैंने अपना बजट डिसाइड कर रखा है। आई थिंक इट्स मोर क्लियर नाउ, है ना। सो दिस इज माई बजट। सो लेट्स फिल इन द एनवलप्स नाउ। सबसे पहले हमें फिल करना है अपना बिल का एनवलप, जो है 5,000। लास्ट टाइम भी मैंने यही बजट ले रखा था और इसमें इस बार भी कुछ नहीं है, तो मैं अपने 5,000 इसमें रख देती हूँ। आई थिंक आई विल टेक फ्रॉम हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आई नीड 2 more, 9 and 10। सो दीज आर 5,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 एंड 5,000। या सो दिस विल गो इन माय बिल कैटेगरी। सो नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस। फॉर द इंश्योरेंस आई हैव सेव 2,300। सो लेट मी सर्च। ओके, दिस वन इज़ फॉर, ये मैंने लास्ट टाइम पेमेंट कर दिया था। सो इस मंथ की पेमेंट के लिए आई विल हैव टू एड 2,300 रुपीज़ इन टू इट। सो आई थिंक इट्स 2,300। दिस विल गो इन माई LIC। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव इज सलोन। फॉर सलोन आई हैव डिसाइडेड 500। सो ये भी ख़त्म हो गया था लास्ट टाइम। आई विल थिंक आई विल ऐड फ्रॉम दिस 1, 2, 3, 4 and 5। लाइट मी काउंट इट अगेन 1, 2, 3, 4, 5। सो 500 फॉर सलोन दिस टाइम ऑल्सो। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। फॉर पर्सनल एक्सपेंस आई हैव 1,000 रुपीज़। लेट मी सर्च एक्सपेंस। दिस इज फॉर एक्सपेंस, नथिंग लेफ्ट, सब कुछ वॉलेट में था। तो आई थिंक आई विल ऐड 300, 400 and 500। सो 100, 200, 300, 400, 500 and 500। सो दिस इज ऑल फ्रॉम एक्सपेंस कैटेगरी। लेट सी कि एक्सपेंस में पास कुछ बचा है क्या लास्ट मंथ से। So this and this. So I have 1, 2, 3, 4, 5, 50 and 150. So I have 200 left with expense. Let me put it aside कि देखते हैं कि इसमें saving करेंगे expense में add करेंगे, ये चीज़ बाद में देखेंगे। Next I have is investment. For investment 500 last time use कर लिया था सारा SIP में, so nothing left with it. So I will add 500 into investment. Okay, so next up we have is maintenance. I think मैंने maintenance में कुछ भी use नहीं किया है, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। So I think let me check it out. 100, 200, 300, 400 and 500। या पहले के ऐसे ही रखे हुए हैं। So I think I will add 500 more into it. So let me take from here. This 500 from maintenance. So maintenance now will be 1,000. Budget has increased from. Now let's jump in into sinking funds. So sinking fund में first है मेरे पास charity. For charity, let's see क्या बचा हुआ है. It's 50 पहले का है और आपका हम इसमें add करेंगे 200 more, क्योंकि मैंने 300 ही budget decide किया हुआ है for charity. So 100, 200 and 300. So 300 will be for charity now.
Now next is temple. For temple, 100 rupees. I think I will go with this one only. So 100 rupees for temple. Last time ka to kar diya temple mein hi. ठीक है. अब नेक्स्ट इज इनटू इमरजेंसी फंड. सो फॉर इमरजेंसी फंड आई हैव ऑलरेडी 500 इन एंड आई विल ऐड 500 मोर. सो इट विल बी 1000 रुपीज इन इमरजेंसी फंड. नेक्स्ट अप वी हैव इज ट्रेवल. फॉर ट्रेवल मैंने लास्ट टाइम कोई ट्रेवलिंग करी नहीं है. सो 1000 ऐसे ही रखे हुए हैं एंड आई विल ऐड 1000 मोर इनटू दिस. सो इट विल बी 2000 रुपीज फॉर ट्रेवल. एंड फॉर माई वॉन्ट्स लास्ट मंथ था 1000. मैंने वॉन्ट्स में कुछ यूज़ करा नहीं है. सो इट्स 1000 एज इट इज एंड आई विल ऐड 1000 मोर 500 एंड आई थिंक इट्स 2000. यस इट्स 2000. सो फॉर माई वॉन्ट्स 2000 हो गया मिला के दोनों का. अच्छा है यार. नेक्स्ट इज लैपटॉप. फॉर लैपटॉप मैंने अभी तक कुछ खरा नहीं है और 2000 लास्ट टाइम का होगा एंड आई विल ऐड 2000 मोर इनटू दिस. सो इसको इधर रखते हैं और 2000 ऐड करते हैं पहले. 1 2 3 4 5 6 दैट इज 1200 1300 1400 1500 1600 and 1700 1800 1900 and 2000. सो 100 200 300 400 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and is 2000 and 2000 more for the last time. I think ye sara mera ab 4000 hona chahiye. So let me check ki 4000 hai kya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is 500 rupees. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So 517, that is 2200. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that is 1800. So 1800, 1700 and 500, that is 4000. So 4000 will go in my laptop. Now what we have left, 100 200 300 and 400. So these 400 will go in my saving challenge plus expense ka bhi bacha hua hai. Expense ka hai mere paas 1 2 3 4 5. This is 200. So 200 plus 400, this is 600 rupees in my सेविंग चैलेंज. सो लेट सी कि सेविंग चैलेंज में कैसे मैं रखती हूँ. एंड ऑफकोर्स लास्ट टाइम का 300 भी है इसमें. सो 100 200 एंड 300. सो 300 एंड 600. तो दिस विल बी 50 600 100 200 300 400 500 600 700 800 एंड 900. सो 900 इन माय सेविंग चैलेंज मुझे अभी फिल करना है एनवलप में 600 रुपीस. सो लेट्स सी एनवलप में कौन से 600 रुपीस करते हैं. सो इन 100 एनवलप चैलेंज 600, आई थिंक 97 प्लस 3 100 96 प्लस 4 100, दिस इज 200 एंड 95 प्लस 5 इज 300. आई हैव टू ऐड 600 and so 94 plus 6, this will be 400 93 plus 7 500 total and 92 plus 8, so this will be 600. So I think 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is 900. So I have filled total of 8 envelopes here and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 envelopes from here. So 8 plus 9 equals to 17 envelopes I have filled up to August. So let's see कितना होता है. अब मेरा last month में देखते हैं कि coins में कुछ है. Yes, I have so many coins as you can see. So I will add all these coins. I will put only a single coin into my wallet and I will add all other coins into my wallet coin box. So I think I will add
ओके तो यही हुआ बजट चैलेंज जिसमें, तो फ्रेंड्स ये था बजट चैलेंज फॉर अगस्त जिसमें मंथली एक्सपेंस और सिंकिंग पॉइंट्स इंक्लूड होके ये पूरा 15,000 हो जाता है। और इसमें लास्ट मंथ से हमें काफ़ी रुपए मिले हैं और हमने काफ़ी सेव भी किया, दैट्स ग्रेट। सो दिस इज ऑल फॉर द दिस वीडियो, थैंक यू, बाय, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग माई चैनल। इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए, थैंक यू, बाय।